दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली हेल्थ टिप्स पे। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी नाक से खून बहने के कारण और इसका घरेलू इलाज। दोस्तों कुछ लोगों की नाक से अचानक से खून बहने लगता है, डॉक्टर्स इसे नाक फूटना कहते हैं। नाक फूटना रोग यदि साधारण हो तो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन नक्सिर फूटने का रोग बार बार हो तो उसे रोकना कठिन होता है। ये समस्या अक्सर बच्चों में देखी जाती है। बहुत गर्मी पड़ने पर या फिर चोट लगने पर नाक से खून बहना आम बात है। कभी कभी ये समस्या इन्फेक्शन के कारण भी होती है। इसके अलावा दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैंसर का पहला लक्षण नाक से खून बहना ही होता है, लेकिन कई लोग इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। गर्मियों के कारण अक्सर लोगों की नाक से खून बहने लगता है। वैसे तो नाक से खून बहने का कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन गर्मियों के कारण नाक से खून बहने की स्थिति को नक्सिर भी कहा जाता है। ये रोग उन रोगियों में ज़्यादा बार होता है जो कि नाक की एलर्जी, साइनसाइटिस, उच्च रक्तचाप या फिर रक्तस्राव वाले विकारों से पीड़ित हों। दोस्तों यदि खून नाक के एक छिद्र यानी कि एक होल से निकल रहा हो तो ये आम बात है, लेकिन नाक के दोनों छेद से खून निकलता हो तो इसका कारण शरीर का अन्य रोग हो सकता है। नाक से खून दो प्रकार से आता है, एक तो सबसे पहला वाला होता है एंटीरियर नोज ब्लीड या फिर दूसरा वाला होता है पोस्टीरियर नोज ब्लीड। इसमें पोस्टीरियर नोज ब्लीड जानलेवा होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण और फिर इसका इलाज। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी नाक से खून बहना यानी कि नोज ब्लीडिंग के कारण क्या होते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी होना यानी कि डिविएटेड नेसल सेप्टम नक्सिर या फिर नाक से खून निकलने के मुख्य कारणों में नाक की हड्डी टेढ़ी होना सबसे आम होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से नाक के एक नॉस्ट्रिल पर अधिक दबाव और गर्म हवा के कारण सूखापन हो जाता है, जिस वजह से नाक में से ब्लीडिंग होने लगती हैं। दोस्तों दूसरा कारण है गर्म और सूखा मौसम यानी कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से भी आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती हैं। फ्रेंड्स अधिक तापमान और सूखी हवा के कारण नाक के अंदर का नाजुक रक्त वाहिनी फट जाता है, जिसकी वजह से ऐसे वातावरण में नाक से खून निकलने लगता है। जुकाम यानी कि कोल्ड एलर्जी, अधिक जुकाम के कारण नाक के अंदर की त्वचा में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से नाक में जमा कफ बाहर निकलने के लिए प्रयास करने से या फिर बार बार छींक आने से नाक के अंदर सूक्ष्म रक्त वाहिनी का दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिनी फटने से नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों नाक में से खून आना ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि रक्त में प्लेटलेट्स की कमी यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा किडनी रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और इसके अलावा दूसरे अनुवांशिक रोग जैसे कि हीमोफीलिया इत्यादि। दोस्तों इसके अलावा केमिकल्स यानी कि रसायन की तीव्र गंध जैसे कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, गैस या फिर धूम्रपान के धुएं के कारण भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती हैं। चोट या फिर इंजरी, नाक पर चोट लगने के कारण या फिर सिर पर चोट लगने के कारण भी नाक से खून निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों दवा यानी कि मेडिसिन, डॉक्टर की सलाह लिए बिना लंबे समय तक खून को पतला करने वाली दवा या फिर एस्पिरिन और आईबीयूप्रोफेन जैसी दर्दनाशक दवा लेने से भी नाक से खून निकल सकता है। शराब यानी कि अल्कोहल, अधिक शराब पीने से शरीर में रक्तस्राव रोकने के लिए ज़रूरी तत्व प्लेटलेट्स की कमी हो जाती हैं और सूक्ष्म रक्त वाहिनी बड़ी यानी कि डायलेट हो जाती हैं, जिस कारण ब्लीडिंग शुरू हो सकती हैं। शरीर में विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन के की कमी से भी रक्तस्राव शुरू हो सकता है। कुछ लोगों को अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण भी नक्सिर हो सकता है। तो दोस्तों ये थे नक्सिर होने के क्या क्या कारण होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नाक से खून बहने पर क्या क्या उपचार करना है। दोस्तों नाक से खून निकलने पर व्यक्ति के नथुनों को पकड़ लें और उसे सीधा बैठ जाने को कहें। 5 से 10 मिनट यूं ही बैठाए रखें। सिर को हिलाने ना दें, ना ही लेटने दें, वरना गले में खून उतरने पर सांस की नली में अवरोध हो सकता है।
इसके अलावा बर्फ़ का इस्तेमाल एकदम से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नाक पर मॉइस्चराइज़र या फिर कोई क्रीम लगाएं। खून रुक जाने पर आइस क्यूब से सेंक लें। इस रोग में पानी को हल्का गर्म करके उसमें नमक मिलाकर इससे नाक व मुंह को धोएं। इससे नाक में जमे मैल आदि बाहर निकल जाएंगे। माथे पर फिटकरी का लेप करें। गाय के दूध में एक चुटकी फिटकरी मिलाकर रोगी को पिलाएं। इससे भी लाभ होगा। एक चम्मच प्याज के रस में थोड़ा सा घी तथा मिश्री मिलाकर रोगी को पिलाएं। दोस्तों याद रखें, यदि नाक से खून निकल रहा हो तो दोनों हाथ को सिर के ऊपर ऊंचा उठाकर रखें। इससे नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मुंह को बंद करके नाक से सांस लेने व छोड़ने की क्रिया करें। इससे नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके साथ ही नाक से तेज रक्तस्राव होने पर मेरुदंड पर ठंडा पानी या फिर बर्फ़ का पानी डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। इससे लाभ ना हो तो और रोगी की हालत अधिक ख़राब हो तो तुरंत खूब नर्म कपड़े की पोटली बनाकर उससे रोगी के नाक को बंद कर देना चाहिए। रोगी के नाक में शुद्ध सरसों का तेल डालना चाहिए। इसके साथ ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए और हल्का व पुष्टकारक भोजन करना चाहिए। प्याज व पुदीने का रस सुंघाएं। इससे भी नकसीर बंद हो जाती हैं। नकसीर फूटने पर नाक में अंगूर का रस डालें। इससे खून का बहना तुरंत रुक जाता है। गुलाब जल में किशमिश के 20 दाने मथकर सेवन करें। नाक में 2 बूंद शुद्ध देसी घी डालें। यदि नकसीर की बीमारी पुरानी है तो 10 से 15 ग्राम गुलकंद रोज सुबह व शाम के समय दूध के साथ सेवन करें। बेल के पत्तों को पानी में पकाकर उसमें मिश्री या फिर बताशा मिलाकर पीने से नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। जब आप गर्मियों में अधिक समय तक धूप में घूमते हो तब आपकी नाक से खून निकल सकता है। तब आपको अपने सिर पर ठंडा पानी डालना चाहिए। इससे तुरंत ही नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। नकसीर से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी रात को आधा लीटर पानी में भिगाकर रख दें। सुबह उस पानी को छानकर पीने से नाक से खून आने की परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इन नकसीर के उपचारों के साथ आप इन बातों का भी ध्यान रखें। आपको धूम्रपान नहीं करना होगा। शराब और कैफीन का सेवन नहीं करना होगा। छींकने के दौरान मुँह को खोलकर रखना होगा। बाहर की तेज़ गर्मी से सीधे एयर कंडीशनर में जाने से भी बचें। दोस्तों याद रखें, अगर बच्चों को चोट लगने पर नाक से खून बहने लगे तो बिल्कुल देर ना करें, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। कभी एक्सीडेंट होने पर अगर नाक से खून आने लगे तो लापरवाही ना बरतें। इसके अलावा दिमाग पर चोट लगने की वजह से भी नाक से खून बहने लगता है। तभी भी आप ज़्यादा खून बहने पर किसी भी तरह की लापरवाही किए बिना जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।